चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, इट मींस द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस इज ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इज टू सेपरेट एंटिटी, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, है ना, दोनों का रिकॉर्डिंग अलग अलग होगा। हम जब भी अकाउंटेंट होते हैं तो हम अपनी बिजनेस एंटिटी के अकाउंटेंट होते हैं, ध्यान रख लेना, हम उसके ओनर के अकाउंटेंट नहीं हैं। हम इसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं सारा लेन देन के सेंटर में ये है, जो भी होगा इससे एसोसिएटेड होगा, इसलिए मैंने आपको बोला अकाउंटिंग एंटिटी, है ना, मैं इसे बोलता हूँ अकाउंटिंग एंटिटी। आप जिस अकाउंटिंग एंटिटी के लिए काम कर रहे हो सेंटर में यही है, आपको यही ध्यान रखना है जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है क्या उसका इससे लेना देना है या नहीं है, अगर इससे लेना देना है तो वो आपके एंट्री के लिए काम आएगी, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए ओनर ने पैसा लगाया और आपने रिकॉर्ड नहीं करा, मान लीजिए आपको कैपिटल मिली, आपको 5 लाख रुपए की कैपिटल मिली कैश में या बैंक में जैसे मर्जी मान लो, और आपने इसकी एंट्री नहीं करी बिकॉज द कैपिटल इज द अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, है ना। कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी का बिजनेस का ओनर पैसा लगाता है वही तो कैपिटल होती है। आप ये मान के चलो कि ओनर की तो एंट्री है, क्या एंट्री करूँ, क्या आपका कैश और बैंक का बैलेंस मिलेगा कभी कंपनी का, नहीं मिलेगा। तो ओनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, अ सेपरेट पर्सन एंटिटी। तो ओनर ऑफ द बिजनेस को बिजनेस से अलग मान लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, केवल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग के लिए अलग है, इनकम टैक्स के लिए फिर सेम हो जाएंगे, है ना। हम अकाउंटिंग और इनकम टैक्स को मिक्स नहीं करेंगे। तो अभी जब तक हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये कैपिटल लगाने वाला है इसकी एंट्री भी करेंगे, जब ये पैसा कुछ निकालेगा तो उसकी एंट्री भी करेंगे। 1 रुपया, 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये कोई मैटर नहीं करता। तो जब भी इसके साथ ट्रांजेक्शन होगी तो वो हमें रिकॉर्ड करनी ही करनी है, क्योंकि उसके अंदर इनहेरेंट फीचर हैं। देयर मस्ट बी अ मॉनेटरी वैल्यू, देयर मस्ट बी अ इवेंट, एंड दैट इवेंट रिलेटेड टू माई अकाउंटिंग एंटिटी। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको। तो ये 3 चीज़ें जब जब हो गई, 3 इन्ग्रीडियंट्स आपको मिल गए तो एंट्री पास होगी ही होगी। तो अब वो चाहे ओनर की हो, किसी एक्सटर्नल पार्टी की हो, मान लीजिए आपने, आपके डेटर ने आपको पैसे दिए, आपके डेटर ने आपको 4 लाख रुपए दिए, क्या आप इसकी एंट्री करोगे या नहीं करोगे? डेटर से 4 लाख रुपए मिले, इसकी एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? आपको बेटा, आपकी कंपनी को मिलेगा ना इसको, है ना, इसी को करेंगे, करेंगे ना। तो सेम कंसेप्ट ओनर पे भी लगता है, ये भी एक्सटर्नल पार्टी है, थर्ड पार्टी है, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, इसकी भी एंट्री कर रही है तो इसकी भी करेंगे, सेपरेट है, दोनों अलग अलग हैं। आप ये मान के नहीं कह सकते हो कि ये ओनर है तो इसकी एंट्री क्या करें, नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, प्रॉफिट में शेयरिंग है, मैनेजमेंट में डिसीजन है, सब है। ये आदमी महीने में एक ही दिन अच्छा लगता है, जिस दिन सैलरी के चेक बना रहा होता है उस दिन लगता है सर आज अपने अपने से लग रहे हो, है ना, बाकी पूरे महीने पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं। ये आदमी सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह है, एक बिल्कुल थर्ड पार्टी की तरह, जैसे ये डेटर है या क्रेडिटर है या कोई लोन देने वाला है, ऐसे ही ये भी है। तो इसके जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सभी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, आप छोड़ नहीं पाओगे, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये कहती है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आज की बस लास्ट, है ना। मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, है ना, उसमें पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होना चाहिए, वो मेरी एंटिटी से रिलेटेड होनी चाहिए, और कोई इवेंट होनी भी चाहिए ना, हाँ इवेंट होनी चाहिए, इवेंट अकर होनी चाहिए वहाँ पे। मान लीजिए कि आपने किसी से पूछा भाई मेरे को अपनी कंपनी के लिए एसी चाहिए, बता कितने का, उसने बोला एसी 45,000 का है, बस आप पूछ के आ गए, इसमें मॉनेटरी वैल्यू है, हाँ है, 45,000 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन क्या इवेंट हुई है, आप लेके ही नहीं आए, इवेंट ही नहीं हुई। अब मेरी कंपनी से रिलेटेड तो होने का सवाल ही पैदा नहीं, जब इवेंट ही नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं इसका, है ना, इसका कोई लेना नहीं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे जिसमें तीनों चीज़ शामिल नहीं होंगी, है ना। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आप क्या कह रहे हो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म के लिए, बात तो सही है, हाँ जी, हाँ जी। देखो आपने ना
कंसेप्ट इतनी ही पढ़ी है, बात ठीक है आपकी, आप जितना पढ़ के आए उस हिसाब से आप ठीक बोल रहे हो। इस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे ना इसके ऊपर आपकी पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है। ये मैं हर क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि ये मैं आपको एक अलग तरीके से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दिखाऊंगा और इसके ऊपर ही बैलेंस शीट बनती है, सारी बैलेंस शीट इसके ऊपर है। अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो जाए तो आपकी बैलेंस शीट बदल जाएगी, बैलेंस शीट ही बदल जाएगी आपकी और 100% बदल जाएगी। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल होने का मतलब क्या है कि नाउ योर बिजनेस हैज़ नो सर्वाइवल, है ना, अब आपके बिजनेस का सर्वाइवल नहीं है, बिजनेस बंद होने वाला है, यही तो है। अगर मान लो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो सोचा था कि बिजनेस चलता रहेगा अब वो नहीं चलेगा, यही तो है। यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एक स्टेप आगे जाके दिखा रहा हूँ कि गोइंग कंसर्न का असर कहाँ होता है, वो तो आप थ्योरी में बुक में लाइन पढ़कर आए हो, मैं आपको इसकी इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या है। आप मार्केट में क्लास खत्म होने के बाद अपने सर्कल में 50 लोगों से पूछना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है, यही बोलेंगे कि बिजनेस चलता रहेगा। हमने इतना ही पढ़ा है, सबने इतना ही पढ़ा है। मैं हर क्लास में बच्चों को गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अलग एंगल से दिखाता हूँ और इसका इम्पैक्ट सीधे बैलेंस शीट पे होता है। ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। अगर ये फेल हो गई तो आपकी बैलेंस शीट जो आप बनाते हो ना, आप बैलेंस शीट बताओ कैसे बनाते हो, जरा बैलेंस शीट बताना मुझे, जरा कैसे बनाते हो। नहीं, वो तो ठीक है, पर्टिकुलर नहीं होता बच्चा बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी और एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स होती हैं, पर्टिकुलर नहीं होता बेटा, है ना, कोई बात नहीं। आप बताओ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। नहीं, अरे कहाँ राहुल, कहाँ चले गए, फिक्स एसेट हो गई, अभी तो खाली स्थान भरो चल रहा है, टोटल में कहाँ चले गए हम, फिक्स एसेट हो गई और ये रहा फिक्स एसेट, और बताओ अभी ना हम ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ग्रुप एक फिक्स एसेट ग्रुप हो गया, दूसरा और क्या चीज होती है बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल एसेट्स, और क्या होता है, हे भगवान, करंट एसेट्स। अभी हम केवल ग्रुप कह रहे हैं, अभी अंदर जा ही नहीं रहे, अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, इसी से काम चल जाएगा हमारा ना, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। करंट एसेट्स और हाँ बेटा ये नॉन करंट हो तो क्या, नॉन करंट एसेट्स ये ना फिक्स एसेट्स जिसे कहते हो आप, कैपिटल, वो सब इसी के अंदर है, है ना, फिक्स एसेट का ही पार्ट है। मैं तो कह रहा हूँ मैं आलसी आदमी हूँ, मैं इसी से काम चला लूँगा, आप समझो बात को, है ना, मैं इसी से काम चला लूँगा। आपको बैलेंस शीट, मेरे को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पूरी कंसेप्ट इस बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट इसके ऊपर चिपकी हुई है। अगर ये फेल हो गई तो बैलेंस शीट बदल जाएगी आपकी सारी, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैपिटल हो गई, है ना, और क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जिसे आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, हे भगवान राहुल, गलत बात है बेटा, बैलेंस शीट में इनकम कब आती है, ठीक है, ब्रॉडली बैलेंस शीट ऐसे ही बनती है ना, ब्रॉडली हम इसकी सब इफेक्ट देंगे, करंट के एसेट के क्रेडिटर लाएंगे, एक्सपेंसेस पेबल लाएंगे, करंट एसेट्स में कैश लाऊंगा, बैंक लाऊंगा, डेटर लाऊंगा, प्रीपेड एक्स में, वो नहीं कर रहा मैं आपको कह रहा हूँ ब्रॉड लेवल पे यही हेड होते हैं। इन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में लाइन आइटम्स, दिस इज वन लाइन आइटम, है ना, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है लाइन आइटम, ये लाइन आइटम है। इन लाइन आइटम के अंदर जो आप कह रहे हो इंटेंजिबल, टेंजिबल और करंट के अंदर डेटर्स और स्टॉक इन हैंड, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसिव, वो इसके अंदर का पार्ट है। कैपिटल के अंदर कैपिटल जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लोन्स होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन से लोन्स होते हैं, कौन सी लाइबिलिटी होती हैं, लाइबिलिटी से चलते हैं। कैपिटल का मतलब ओनर्स की इक्विटी, ओनर्स के लगाए हुए पैसा। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन से पैसे आते हैं, क्या चीज़ आती है, नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी होती है, मतलब मैं सुनो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि लोन होता है क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ किस लाइबिलिटी को आप नॉन करंट कैटेगराइज करते हो, किसको कहते हो ये नॉन करंट है, आप कैटेगराइज करने के लिए कोई तो बेस चुनते होंगे ना कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, या काले कपड़े वाले लॉन्ग टर्म, सफ़ेद कपड़े वाले शॉर्ट टर्म, ऐसा। हेलो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं,
जिसको मैंने 12 महीने या उसके बाद पे करना है, द लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद जितनी भी लाइबिलिटी है उस सबकी लाइबिलिटी कैसी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, है ना। ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे 12 महीने के बाद पे करनी है, ऑल दोज लाइबिलिटी आर कैटेगराइज्ड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। वो सारी लाइबिलिटी कैसी हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो 12 महीने से ज़्यादा वाली लाइबिलिटी कैसी हैं, यानी कि ये लाइबिलिटी कौन है, पेबल आफ्टर 12 मंथ, ग्रेटर देन 12 मंथ वाली लाइबिलिटी है। ये बात क्लियर है। करंट लाइबिलिटी कौन सी है, करंट लाइबिलिटी पेबल विद इन इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ में जो पे करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हो राहुल, है ना। 12 महीने के अंदर अंदर जो मुझे पे करनी है वो मेरी करंट लाइबिलिटी है। फिक्स एसेट का मतलब क्या है, कौन सी एसेट, कार मशीनरी बिल्डिंग मत बताना। फिक्स एसेट मतलब कौन सी एसेट को फिक्स एसेट मानते हो, नहीं बतानी है। हाँ, जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, है ना, जो मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के, जिनकी लाइफ ग्रेटर देन 12 मंथ है, है ना। फिक्स एसेट आर दोज एसेट टू हैव लाइफ इन माय बिजनेस इज फॉर मोर देन 12 मंथ, जो 12 महीने से ज़्यादा यूज होंगे मेरे बिजनेस में, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस के काम आएंगे, नॉट टू बी हेल्ड फॉर रीसेल, वो रीसेल के पर्पज़ के लिए नहीं होने चाहिए। वैल्यू शुड बी मटीरियल, है ना, लाइफ शुड बी लिमिटेड, उसकी लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, मेरे बिजनेस में एक साल से ज़्यादा यूज होने चाहिए, मतलब और वैल्यू इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उसका सेल परचेज के लिए पर्पज नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी फिक्स एसेट है, इसकी भी लाइफ कितनी मानी, ग्रेटर देन 12 मंथ, करंट एसेट्स लेस देन 12 मंथ वाले हैं, जो मुझे 12 महीने या उससे कम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोज आर करंट एसेट्स। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है। अपने मुद्दे पे चलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रही है, बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यही तो कह रही है। हेलो, यही कह रही है ना। आपने इसमें ना एक मशीन खरीदी है, एक चलो 1 अप्रैल 24 को 50 लाख रुपए की मशीन है, जिसकी लाइफ 15 साल है, ध्यान से रखना। 1 अप्रैल 2024 को 50 लाख की मशीन खरीदी जिसकी लाइफ 15 साल है, क्लियर है यहाँ तक। अब ऑन 31 अक्टूबर 2024 गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दी कि ये इंडस्ट्री अब नहीं चल सकती, इस इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा ड्यू टू मोस्ट पॉल्यूशन और मोस्ट पॉल्यूटेड इंडस्ट्री और वट एवर द रीजन। गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन से कोई नोटिफिकेशन इशू कर दी कि 30 अक्टूबर को नोटिफिकेशन बंद करी और बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2025 यू हैव द 5 मंथ पीरियड कि आपको 31 मार्च 2025 तक ये इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अब क्या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का सर्वाइवल है, अब आपका बिजनेस चल सकता है? नहीं सर। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट गुड होल्ड कर रही है या फेल हो गई? अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो गई। अब ये जो 50 लाख की मशीन लाए थे, इसकी मशीन की लाइफ में इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मशीन तो आज भी 15 साल चलेगी, लेकिन चलेगी कैसे, प्रोडक्शन ही बंद कर दी सरकार ने, सरकार ने प्रोडक्शन ही बैन कर दी, तो मशीन चल पाएगी अब तो नहीं चल पाएगी। तो क्या ये मेरी फिक्स एसेट है अभी आज की डेट में? नहीं। अब ये फिक्स एसेट है या नहीं? नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि जिस दिन आप फिक्स एसेट के लिए डिसाइड कर रहे थे उस दिन आपने माना था कि मेरी बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, एटलीस्ट 12 महीने से ज़्यादा तो चलेगा, तो यहाँ तो पीरियड ही 6 महीने का बचा मेरे पास, है ना। बल्कि जिस दिन मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च को, उस दिन तक तो मुझे क्लोज ही करना पड़ जाएगा। तो अब मेरे बिजनेस की एसेट की लाइफ में, इटसेल्फ लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो गई। जैसे ही ये फेल हो गई तो अब सब कुछ मेरी बैलेंस शीट जो बनेगी, लिक्विडेटेड फॉर्म कहते हैं उसे, लिक्विडेटेड फॉर्म में बनेगी। मेरे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। जब मेरा बिजनेस ही बंद होगा तो 12 महीने के बाद किसको दूंगा मैं? मुझे विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ और लेस देन दैट यहीं पे करना पड़ेगा। मेरी कोई भी फिक्स एसेट 12 महीने से ज़्यादा की है ही नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं है। मेरे बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो चुकी है। नाउ इट इज़ नॉट, इट डू नॉट गो गुड होल्ड। अगर जैसे ही ये डू नॉट गुड होल्ड की पोजिशन में आती है, जैसे ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल होती है,
तो आपकी बैलेंस शीट चेंज हो जाती है, उसमें कोई भी चीज़ फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म के नाम पे नहीं रहती, सब कुछ करंट हो जाता है, लिक्विडेटेड फॉर्म कहते हैं इसे, सब कुछ करंट हो जाएगा, सारा करंट हो जाएगा। तो अब ये सारी मशीन कहाँ आएंगी, यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल में आपको ये फिक्स एसेट बेचनी पड़ेंगी, पैसा रियलाइज करना पड़ेगा, इधर की लाइबिलिटी आप पे करनी पड़ेगी। इसके लिए भी जो पीरियड आपको मैक्सिमम अवेलेबल हो सकता है वो हो सकता है, बिजनेस तो अब चलेगा नहीं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल होने की वजह से क्या हुआ, आपकी बैलेंस शीट की शेप बदल गई, आपकी बैलेंस शीट की लाइन आइटम बदल गई, आपकी बैलेंस शीट में कोई भी फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म नाम की लाइन आइटम बचेगी नहीं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का असल में इम्पैक्ट यहाँ होता है, वो हम आज तक वही पढ़ते आए हैं कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होता है असल में, है ना, कि द मूवमेंट योर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल्स, योर बैलेंस शीट विल बी इन द लिक्विडेटेड फॉर्म, देयर इज नो फिक्स एसेट, देयर इज नो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कुछ नहीं है वहाँ पे, ना लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, एवरीथिंग इज करंट इन लिक्विडेटेड फॉर्म। यू हैव टू सेल ऑल दीज एसेट्स, आपको सारी एसेट बेचनी है, पैसा रियलाइज करना है, लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, उसके बाद कुछ बचेगा तो कैपिटल वाले को वापस दे देना, खत्म कहानी, चैप्टर खत्म, अब कुछ भी फिक्स एसेट नहीं बचता, क्लियर है। अब आपका होमवर्क है ये दो पढ़ के आना, फिर परसों मजा आएगा। आज तो पहली बार कम्युनिकेशन हुआ था तो कुछ होमवर्क नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा। मैं पहले कह चुका हूँ मैं आलसी आदमी हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना, अकेले मेरी मेहनत से कैसे काम चलेगा। तो ये दो मैचिंग कंसेप्ट और मटेरियलिटी की कंसेप्ट एक बार पढ़ के आना।